नागौरी दाल तड़का, साथ में चावल हैं, प्याज हैं ये, और पापड़ रखा है मैंने। आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। मैंने चावल के साथ करा है और बहुत ही बेहतरीन दाल बनी है हमारी। इस तरह से आप भी एक बार बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपने ये रेसिपी देखनी है तो चलते हैं बनाते हैं नागौरी दाल तड़का। नमस्कार, तो आज की जो रेसिपी लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ मैं ढाबा स्टाइल के अंदर तड़के वाली दाल, बहुत ही बेहतरीन बनेगी। और जो दाल मैं बना रहा हूँ वो काली मसूर और तूर दाल मिक्स करके बना रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल अलग तरीके से बनेगी। उसमें डबल तड़का लगता है और कुछ अलग सामान मिल के बनता है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। आप उसको चावल के साथ या चपाती पराठा किसी के साथ भी आप खा सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है मेरी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं बनाते हैं ये, उसका नाम है नागौरी दाल तड़का, बिल्कुल बेहतरीन बनती है। तो बनाते हैं नागौरी दाल तड़का एक छोटे से इंट्रो के बाद। नागौरी दाल तड़का बनाने के लिए मैंने ये काली मसूर ली है एक छोटी कटोरी, और एक 1/4 कटोरी मैंने तूर दाल ली है। तो इसको सबसे पहले हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं 3-4 बार। दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है तो उसको 10-15 मिनट रेस्ट करने देते हैं। और एक पेस्ट बना लेते हैं कूट के। अगर आप पेस्ट बना रहे हो तो आपकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आप उसमें लहसुन डाल सकते हो तो उसको पीस सकते हो। मैं लहसुन नहीं डाल रहा हूँ, मैं अदरक ली है और थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, तो मैं इसको कूट लेता हूँ झटपट से। गैस पर रखा मैंने कुकर, 15-20 मिनट हो गए थे दाल को रखे हुए, तो डाल लेते हैं इसमें। और जिस कटोरी से मैंने दाल ली है उसी से कटोरी से मैंने 4.5 कटोरी के करीब पानी लिया है, वो भी ऐड डाल देते हैं इसमें। ऐड करते हैं स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा दालों में सरसों का तेल, काफ़ी होगा। जब प्रेशर लगे तो ये इसका पता पानी बाहर आए ना, इसलिए थोड़ा स्वाद भी बढ़ाएगा। फुल आंच पे 1 सीटी और उसके बाद 5 मिनट हम मीडियम आंच पे पकाएंगे, जब तक हमारी दाल गल नहीं जाती। गैस सीटी लग चुकी है तो गैस मैं मीडियम में कर देता हूँ। मीडियम पे हम 5 मिनट तक पकाएंगे इसको। जब तक ये दाल हमारी पक रही है तो उसके हम तड़के की भी तैयारी कर लेते हैं साथ साथ। गैस पे रखी मैंने कढ़ाई तड़के के लिए, डालते हैं इसमें सरसों का तेल। मैं पहला तड़का जो लगा रहा हूँ सरसों का तेल में लगा रहा हूँ, आप चाहो तो घी का इस्तेमाल कर सकते हो। लगभग मैंने 2 से 2.5 टेबल स्पून के करीब डाला है। गर्म होने देते हैं इसको अच्छी तरह से। तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है तो डालते हैं इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा। थोड़ी सी डाल रहा हूँ मैं सौंफ, इस तड़के में सौंफ भी डलती है, जाएगी हींग और तोड़ के 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता, और डालते हैं साथ में 2 कटोए प्याज। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस अच्छे तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए और सॉफ्ट हो जाए तब तक पकाएंगे इसे। इसे मैं आप अदरक हरी मिर्च और लहसुन वाला जो पेस्ट डाल सकते हैं, मैं सिर्फ अदरक और हरी मिर्च को कूट के डाल रहा हूँ। अच्छी तरह से इसको भी हम भुनेंगे। दाल को रखे 5 मिनट हो चुके हैं तो गैस की ऑफ कर देते हैं, गैस दाल वाली, और उसका प्रेशर निकलने देते हैं। प्याज हमारे अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं तो डालते हैं इसमें कुछ सूखे मसाले। 1.5 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर, 1/4 डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच डाल रहा हूँ गरम मसाला, 1/4 कुटी पिसी हुई यानी कि लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच मैं डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने आमचूर पाउडर,
ये इसकी जान है, तो जोर डालिएगा तभी स्वाद इसका आएगा। आँच हल्की करी हुई है मैंने, इसे मसाले मैंने जले नहीं। साथ में मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देता हूँ, इसके साथ अच्छे से मसाले को हमने पकाना है। साथ में मैं डाल रहा हूँ एक टमाटर की प्यूरी फ्रेश, उसको भी मिक्स करके अच्छे यहाँ से भूनेंगे। इस तरह से टमाटर का जो हमने डाली ग्रेवी, वो हमारी दाल में रंगत भी देगा और स्वाद भी बढ़ाएगा। साथ में डाल देते हैं इसमें हम कटा हुआ धनिया। इस तरह से मसाले में साथ भूनने में इसका स्वाद और बढ़ के आता है। तड़का हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस दाल का प्रेशर खुलता है तो हम उसमें अपनी दाल ऐड करते हैं। चेक करते हैं अपनी दाल को, प्रेशर निकल चुका है। और दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है बढ़िया से। चलते हैं गैस की साइड, ऐड करते हैं अपनी दाल। अच्छे से मिक्स करते हैं और दाल की रंगत देखिए क्या बढ़िया आती जा रही है धीरे धीरे, तड़का मिक्स होते ही क्या बढ़िया रंग की दाल हो गई हमारी। अभी हमने इस पर नमक चेक करना है, क्योंकि नमक हमने सिर्फ दाल में डाला था, तड़के में नहीं डाला था। और दाल की आप देख सकते हो आपको दाल किस तरह से खानी है, अगर रोटी वगैरह के साथ खानी है तो दाल की बिल्कुल सही है, मैंने चावल के साथ खानी है तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगा मैं। ऐड करते हैं पानी, कुकर हमारा गर्म था इसलिए मैंने कुकर से ही लिया पानी। अच्छे से मिक्स करते हैं और इस समय नमक भी चेक कर लेते हैं हम, जरूरत है तो नमक ऐड करेंगे। ऐड करते हैं नमक, अच्छे से मिक्स करते हैं। आज को हमने हल्का रखना है, कि दाल अगर आपकी गाढ़ी है तो ये सब देख लीजिएगा और चलाते रहिएगा कि नीचे लग सकती है अगर आपकी दाल गाढ़ी है तो। अब बारी है इसमें सेकंड तड़का लगाने की। देखा मैंने एक तड़का पैन डालते इसमें घी, काफ़ी होगा, गर्म होने देते थोड़ा। डबल तड़का है तो डालते हैं इसमें ज़ीरा और सौंफ। एक छोटी लाल मिर्च डाली है मैंने, थोड़ी सी हींग डाली है, आँच हल्की कर देते हैं। अदरक हरी मिर्च है, मिर्च आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हो। और इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हो इसके अंदर। गैस ऑफ कर देते हैं, डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च और ये सारा तड़का जाएगा हमारी दाल में। दाल रख दी है, लगाते हैं तड़का बढ़िया सा। वाह, नागौरी दाल डबल तड़का हमारी रेडी है। क्या रंगत आई है और क्या खुशबू आ रही है इसमें तड़के की। तो उसको मैं तो सर्व करूँगा चावल के साथ, आप चपाती के साथ भी कर सकते हो, तंदूर की रोटी के साथ भी कर सकते हो, पराठे के साथ भी कर सकते हो। अगर आपको मेरी बनाई दाल नगोरी डबल तड़का की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अब तक, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। सर्व के लिए रेडी हो गई हमारी नगोरी दाल तड़का, साथ में चावल हैं, प्याज हैं ये, और पापड़ रखा है मैंने। आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, मैंने चावल के साथ करा है और बहुत ही बेहतरीन दाल बनी है हमारी।
इस तरह से आप भी एक बार बना के ट्राई जरूर कीजिएगा।